बच्चों, इसका नेक्स्ट वीडियो इसके आगे रीड करते हैं। व्हेन दे वर स्टेयरिंग एट इट, जब वे इसे एक टकटकी लगा के घूर रहे थे। एन ओल्ड मैन पासिंग बाय देम आस्क्ड देम नॉट टू स्टोन एट द ट्री हाउस एज इट वॉज हंटेड हॉन्टेड। एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति उधर से गुजर रहा था, उनसे कहा कि ट्री हाउस पर स्टोन यानी पत्थर मत फेंको, क्योंकि ये क्या है, भूत प्रेत का साया रहता था। उसने बताया कि यहाँ भूत प्रेत का साया है, यहाँ स्टोन मत फेंकिए। सुजित लाफ्ड इट ऑफ, सुजित ने इसे हंसकर टाल दिया। बट सोमा एंड सुनीता वर ए लिटिल स्केयर्ड, लेकिन सोमा एंड सुनीता थोड़े डर गए थे। दे आस्क्ड सुजित टू रिटर्न बैक टू होम, उन्होंने सुजित से कहा घर वापस आने के लिए। सुजित वॉज रिलुकेंट, सुजित तैयार नहीं होना चाहता था, यानी उसका मन नहीं था। बट सस्केम्ड टू देयर प्रेशर, उनके प्रेशर ने उन्हें जो उसे झुका दिया, आने पर मजबूर कर दिया। यानी बच्चे बार बार कह रहे थे कि आ जाओ, यहाँ पे भूत प्रेत का साया है, वहाँ मत जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है। एंड वॉज डिटरमाइंड टू कम अगेन नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने निश्चय किया कि अगले दिन फिर आने का निश्चय किया। नेक्स्ट डे सुजित इंक्वायर्ड द लोकेलिटीज अबाउट द मिस्टरीज ट्री हाउस। अगले दिन सुजित ने आसपास के लोगों से इंक्वायर किया, यानी पूछताछ की मिस्टीरियस ट्री हाउस के बारे में। दे टोल्ड हिम, उन्होंने बताया डेट देर वर नॉइस हियर इन द ट्री हाउस एवरी नाइट, हर रात यहाँ से कुछ आवाज़ें आती हैं, यानी शोर शराबा होता था। सो दे, इसलिए हमने जाना, लुक इट टू बी कॉस्टली, हमने जाना यहाँ पे भूत प्रेत होंगे। सुजित वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय एंड डिडेंट बिलीव इन द सुपरनेचुरल्स। सुजित एक इंटेलिजेंट बॉय था, वो इन अलौकिक चीज़ों पर यानी ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। ही टोल्ड द ग्रैंड मदर वन डे, एक दिन उसने ग्रैंड मदर से कहा डैट ही वुड कम लेट, कि मैं लेट आऊँगा। एज ही वॉन्टेड टू सी ब्यूटी ऑफ मसूरी सेट नाइट, क्योंकि वह रात में मसूरी की सुंदरता को देखना चाहता था। यानी अपने उसने अपनी दादी से कहा कि दादी मैं लेट से आऊँगा, क्योंकि मैं मसूरी की यानी रात में मसूरी की जो सुंदरता है उसको देखना चाहता हूँ। ग्रैंड मदर एग्रीड टू हिम आफ्टर ही प्लेंटेड मच। ग्रैंड मदर ने, जो उसकी दादी थी, उसे सहमत होगी, उसने बार बार मिन्नतें की, बार बार मिन्नती करने के बाद वो एग्री हो गई। डैट इवनिंग ही वेंट नियर द ट्री हाउस, वह ट्री हाउस के पास गया। When it got dark, जहाँ अंधेरा था, and he found none in vicinity, उसने आसपास में कोई नहीं पाया। vicinity मिस होता है आसपास का एरिया। He climbed up the tree to find the reality, वो reality यानी यानी क्या सच्चाई उसको जानने के लिए वो उस पेड़ पर चढ़ा। His heart beat faster, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो रही थी। एज ही वॉज असेंडिंग, जैसे वह ऊपर जा रहा था। ही टुक ए डीप ब्रीथ, उसने गहरी सांस ली। एंड एंटर द ट्री हाउस लाइट फुट, और हल्के से उस ट्री हाउस में एंट्री किया, प्रवेश किया। एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड टू ग्रुप ऑफ हिमालयंस क्वेल, वह बस आश्चर्यचकित हो गया ही। उसने पाया कि जो हिमालयी बटेरे का समूह को पाया, ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया।
There was that was assumed to be is extinct, जो कि विलुप्त मान लिया गया था. He was quite happy to see them. वो बहुत खुश, उन्हें देखकर बहुत खुश था. Descended down the tree is hastily. Hastily means होता तेजी से. वह तेजी से पेड़ के नीचे, यानी पेड़ से नीचे उतरा. And rushed back to home to share the news with all. वो सभी को ये न्यूज़ शेयर करने के लिए वापस घर की ओर आया. That he was resolved the majesty of the tree house. उसने ट्री हाउस के रहस्य को सॉल्व कर दिया था. बच्चों, ये थी आपकी स्टोरी. आई होप आपको ये समझ में आई होगी. तो प्लीज़ रीड कीजिएगा और समझिएगा.